वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद इकरा में। आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन टिक्का बिरयानी। ये जो भी सामान आपके सामने अभी नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, ये मैंने खाली चिकन टिक्का को मैरिनेट करने के लिए निकाल के रखा हुआ है। स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताती रहूँगी। बहुत ईजी और बहुत ही मज़ेदार बिरयानी बनेगी, तो आइए शुरू करते हैं। ये देखिए, मैं आधा किलो चावल और आधा किलो चिकन की बिरयानी बना रही हूँ। तो अभी तो आप लोग चिकन देख लीजिए, ये मैंने आधा किलो से थोड़ी ज़्यादा ही चिकन है तो मैंने निकाल के रखी हुई है। आप लोग चाहें तो बोनलेस भी ले सकते हैं टिक्का बनाने के लिए, लेकिन बिरयानी में जो है वो बोन्स बहुत अच्छी लगती हैं, उसी से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो मैंने ये चिकन ले ली है। चिकन के पीसेस थोड़े से बड़े रखने हैं, ये देखिए इतना मैंने साइज़ रखा हुआ है। आप लोग भी चाहें तो बड़ा करवा सकते हैं, क्योंकि चिकन टिक्का थोड़ी बड़े का ही अच्छा लगता है। जो पूरा बड़ा वाला टिक्का होता है वो तो फिर पतीली में भी हम लोग घर में बनाएंगे तो हैंडल नहीं होगा, इसलिए मैंने थोड़े से बड़े साइज़ के ले लिए हैं। तो ये चिकन मैंने ले लिया है। इसके साथ साथ इसमें जाएगा लहसुन अदरक, ये दो चमचे लहसुन अदरक के हैं, और एक चमचा मैंने कुटा हुआ हरी मिर्चों का लिया है। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, कोई भी बिरयानी बनाए उसमें ये डालें मिर्चें तो इससे बिल्कुल देगी टेस्ट आता है इसमें। और ये चिकन टिक्का का मसाला है। मैं आज बिल्कुल रेडीमेड चिकन टिक्के का मसाला यूज़ कर रही हूँ, मैं घर का नहीं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे जल्दी से बनानी थी तो इसलिए मैंने बाहर का ले लिया है। बाकी इसमें ये जाएगा लाल मिर्च, दो चाय के चमचे हैं ये। गरम मसाला जाएगा इसमें एक चाय का चमचा। चाट मसाला जाएगा इसमें एक चाय का चमचा। नमक हसबे ज़रूरत लेंगे। और ये नींबू मैंने रखा हुआ है अपने पास, नींबू आप ये एक बहुत बड़ा है ये देख सकते हैं, तो हम लोग इसका आधा डाल देंगे, या ये जो कटा हुआ रखा हुआ आधा ये डाल देंगे। बहुत ज़्यादा खट्टा भी हो जाए तो अच्छा नहीं लगता। बाकी दही है, ये दही मैंने अपने पास फेंट के रखा हुआ है। दही बिल्कुल गाढ़ा लेना है, पानी वाला दही नहीं डालिएगा, वरना चिकन को हमें सिर्फ फ्राई करना है, वरना पानी छोड़ेगा तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा टिक्के में, इसलिए गाढ़ा दही लेना है। और ये मेरे पास फूड कलर है, येलो फूड कलर, ये मैं अभी चिकन में डालूंगी। तो आइए इसको मैरिनेट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें डाल दूंगी नमक, नमक के बाद मैं इसमें डालूंगी लहसुन अदरक और हरी मिर्च। इसी तरह सारे मसाले जितने भी मैंने निकाल के रखे हैं सारे मसाले हम लोग वन बाय वन इसमें ऐड करते रहेंगे। ये डाल दिया मैंने चिकन टिक्का मसाला, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और ये चाट मसाला। दही डाल दूंगी मैं इसमें 3 से 4 चमचे। ये लेमन जूस इसमें डाल दूंगी, मैंने हाफ लेमन लिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा लेमन है। और अब इसमें ये मैं फूड कलर डालूंगी 2 चुटकी। और अब इसे हम मिक्स करेंगे, इसे हाथ से ही मिक्स करेंगे तो बहुत अच्छा मिक्स हो जाएगा सारा। ये देखिए, इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया हाथ से। अब मैं इसे तकरीबन आधा घंटे के लिए मैरिनेट कर दूंगी। चिकन को इतना मैरिनेशन का टाइम नहीं चाहिए होता, क्योंकि चिकन तो खुद ही बहुत जल्दी गल जाती है। मैं इसे सिर्फ आधे घंटे के लिए रखूँगी, तो जब तक मैं दूसरी चीज़ों की तैयारी करूँगी और आप लोगों को बताऊँगी। ये देखिए, अभी मैंने चिकन को मैरिनेशन के लिए रख दिया है आधे घंटा। जब तक उसमें लगेगा तब तक मैं बिरयानी का जो मसाला बनेगा वो तैयार कर लेती हूँ। सबसे पहले इसमें जाएगी एक मीडियम साइज़ की प्याज, मैं एक मीडियम साइज़ की प्याज ले लूँगी। उसके साथ साथ इसमें बिरयानी में कोई बाहर का मसाला या कोई डालने की ज़रूरत नहीं है बिरयानी की। अगर आपके पास ये वाले सारे मसाले हैं जो गर्म मसाले होते हैं तो आपकी बिरयानी बिल्कुल देख जैसी परफेक्ट बनेगी। भाई ये मसाले बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं सारे, तो ये आप लोग देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले जाएगा एक बादियान का फूल, मैंने एक बादियान का पूरा फूल ले लिया है। बाकी इसमें जाएंगी ये 4-5 हरी इलायचियाँ, और ये जाएगी इसमें दालचीनी की लकड़ी, और ये है बड़ी वाली इलायची जो काली इलायची होती है, बड़ी इलायची। ये लौंग जाएंगे इसमें 6 से 7 अदद ले लिए मैंने, और ये एक मैंने जावित्री ले लिया है एक इतना टुकड़ा। इसका टेस्ट बिरयानी में बहुत अच्छा लगता है,
या अगर आप ऐसे साबुत डालें या पीस के भी मैं डालती हूँ। अभी मैं आप लोगों को उसका भी एक मसाला दिखाऊंगी जो मैं पीस के डालती हूँ इसके अंदर, वो आप लोग ज़रूर डालिएगा, उससे बिल्कुल देख जैसा टेस्ट आता है। तो उसको तो आप लोग ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा और उसको अपने पास पीस के रख लीजिएगा एक छोटी सी बॉटल में। बाकी ये इसमें काली मिर्चें जाएंगी 5 से 6 अदर, ये सारे हो गए गरम मसाले, ये लाजमी डालेंगे बिरयानी में वरना बिरयानी का कोई टेस्ट नहीं आएगा। बाकी इसमें जाएगी हल्दी, हल्दी मैंने 1 चाय का चम्मच लिया है। गरम मसाला जाएगा इसमें 1 चाय का चम्मच। दही इसमें सिर्फ 2 चम्मच डलेगा, बहुत कम, क्योंकि उसमें चिकन जो है हमारी उसमें दही डला हुआ है। इसमें बहुत ज़्यादा मसाले टमाटर वगैरह कुछ भी नहीं डलता, सिर्फ 2 चम्मचे दही लिया है मैंने। लहसुन अदरक जाएगा इसमें, 2 चाय के चम्मच लहसुन अदरक लिया है मैंने। नमक ले लिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग, और ये लाल मिर्च ली है जो बिरयानी के मसाले में हम अभी जो हम भूनेंगे उसमें डालेंगे। तो बस यही मसाले इसमें डालेंगे और ज़्यादा कोई भी मसाला नहीं डलेगा। तो चलिए आइए आगे की बिरयानी का हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मैंने एक फ्राई पैन में थोड़ा सा तेल डाल दिया और जो चिकन को हमने मैरिनेट किया था आधा घंटा हो गया है, और अब मैं इसमें ये डालूँगी आराम आराम से चिकन के पीसेस। चिकन टिक्का के पीसेस थोड़े से बड़े लेंगे हम, सारे सेट कर दूंगी इसमें मैं, जितने भी आ सकते हैं। फ्राई पैन थोड़ा सा छोटा है मेरा, बाकी 2-3 पीस रह गए हैं वो मैं नेक्स्ट चक्कर में डाल के इसको फ्राई करना है बस, इसे और कुछ भी नहीं करना। तेज आंच पे फ्राई करेंगे इतना बस कि चिकन हमारी पक जाए। ये देखिए इसको 3 मिनट हो गए हैं पकते हुए, और ये मैंने अभी ज़रा सा चेंज किया है, देखिए कितना अच्छा इसका साइज चेंज हुआ है और जैसा मुझे कलर चाहिए वैसा ही बिल्कुल हो रहा है। ये देखिए कितना अच्छा, बिल्कुल जैसे टिक्का बाजार से लाते हैं हम लोग वैसा ही टिक्का बन रहा है। तेज आंच पे करेंगे तो ही ऐसा कलर आएगा और ऐसी शक्ल आएगी, हल्की आंच पे करेंगे तो ये पानी छोड़ देती है चिकन, तो फिर वो टूटने लगती है चिकन। चिकन टिक्का वगैरह हम लोग अगर थोड़ा तेज़ आँच पर करते हैं वही बहुत अच्छा बनता है। ये देखिए इसी तरह से बस आपको चिकन को गलाने तक पकाना है और फिर चिकन टिक्का हमारा रेडी हो जाएगा। ये देखिए चिकन को मैंने पूरी तरह से पका लिया है, बिल्कुल इसी तरह की चिकन चाहिए थी, थोड़ी थोड़ी सी डार्क हो रही है, थोड़ी थोड़ी सी लाइट हो रही है, जैसा चिकन टिक्का होता है ये बिल्कुल वैसा ही बना है। अब मैं इसमें कोयले का धुआं लगा दूंगी। ये देखिए इस तरह से मैंने थोड़ी सी स्पेस इसमें बीच में बना दी है और कोयला रख दिया है। कोयला रख के इसमें मैं थोड़ा सा तेल डालूंगी ताकि कोयला एकदम धुआं निकले इसका, और इसे फ़ौरन से ढक दूंगी किसी भी ढकने से या प्लेट से। ये देखिए तेल मैंने गरम कर लिया है, इसमें मैं प्याज डाल दूंगी। यह अब मैं बना रही हूँ बिरयानी का मसाला। चिकन टिक्का मेरा पूरा रेडी हो चुका है, फिर मैंने कोयले का दम भी लगा दिया है। बस अब जल्दी से हम ये मसाला बनाएंगे। मसाला बनाने से इसी मैंने बड़ी पतीली इसलिए ली क्योंकि मैं इसी में चावलों की तह भी लगाऊंगी, क्योंकि मसाले का जो पहली लेयर है वो मुझे सबसे पहले जो नीचे लगानी है वो मसाले की लगानी है, इसलिए मैं इस बड़ी पतीली में मसाला भून रही हूँ और स्टेप बाय स्टेप मैं इसमें सारे तह लगाती चली जाऊँगी। ये देखिए प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है, बस इतनी ही रखनी है, ज़्यादा नहीं करेंगे प्याज को। और इसमें सारे गरम मसाला डाल दूँगी जो मैंने होल स्पाइसेस रखे हैं अपने पास। इसी के साथ साथ मैं इसमें डाल दूँगी ये लहसुन अदरक, प्याज में भी थोड़ा सा, साथ ही में मैं इसमें हल्दी डाल दूँगी, नमक डाल दूँगी, सारे मसाले इसी वक्त मैं ऐड कर दूँगी, लाल मिर्च डाल दूँगी कुटी हुई, गरम मसाला भी डाल दूँगी, और ये जो 2 चम्मच दही है मैं ये भी डाल दूँगी। बहुत ही अच्छी खुशबू निकलती है जब हम इस तरह से सारे गरम मसाले डालते हैं ना, तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। चूल्हा थोड़ा सा कम कर दूँगी वरना मसाले सारे गिर जाएंगे। और अब मैं इसमें वो डाल दूँगी ये जो चिकन टिक्के का लेफ्ट ओवर मसाला है, ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। इससे जो है हमारी चिकन के जो मसाला बन रहा है बिरयानी का ये बहुत अच्छा और जायकेदार बनेगा।
ताकि इसमें पूरी तरह से बारबेक्यू का फ्लेवर तो आए ना अगर हम बारबेक्यू बिरयानी बना रहे हैं। इसे हम एक मिनट तक और पकाएंगे। इसमें मैं थोड़ा सा बिल्कुल आधी कटोरी के करीब पानी डालूंगी और फिर ये हमारा मसाला रेडी है, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत जल्दी भुन जाती हैं क्योंकि प्याज तो मैंने लाल करी ली थी। ये सारा मैंने तय का सामान रखा हुआ है, मसाला मेरा पूरा दोनों तैयार हो चुके हैं, चिकन टिक्का भी और चिकन का मसाला भी। तो मैंने अब ये सारा तय के लिए सामान रखा हुआ है। ये मैंने एक टमाटर ले लिया, इसको मैंने स्लाइस काट लिया है, ये देख सकते हैं आप लोग। ये हरी मिर्चों का ये तो पूरा बंच है, खैर इतनी तो मैं नहीं डालूंगी, तीन चार डाल दूंगी। और ये लेमन के स्लाइस कर लिए हैं मैंने, लेमन को भी स्लाइस करके रख लिया। और ये हरा पुदीना है, ये हरा धनिया है। बाकी इसमें जाएगा ये मैंने बिरयानी एसेंस लिया हुआ है, इसके सिर्फ दो कतरे डालेंगे, इससे बिल्कुल देगी बिरयानी की खुशबू आती है। बाकी इसमें ये जर्दे का रंग डालूंगी। और ये है चावल, ये मैंने पहले से आधा किलो बॉईल करके रखे हुए हैं। ये लॉन्ग ग्रेन राइस हैं, जो गोल्डन राइस होता है, जिसको हम लोग सेला भी बोलते हैं। तो अब मैं इसकी तह लगाना शुरू करती हूँ। ये मैंने अभी चूल्हा बंद किया हुआ और अब मैं इसमें तह लगाने वाली हूँ। सबसे नीचे मसाले की तह लगा दी है मैंने। अगर आप लोग आलू डालना चाहते हैं अपनी बिरयानी में तो इस स्टेज पर आलू डाल दीजिएगा, बिल्कुल नीचे की तह में, ताकि नीचे सबसे पहले आलू लग जाएं, फिर उसके बाद मसाले के ऊपर मैं चावल डालूंगी। प्लेट की मदद से डाल रही हूँ ताकि ज़्यादा चावल एक दफ़ा में डल जाएं। अब मैं इसके ऊपर सबसे पहले डालूंगी चिकन टिक्का, जो मैंने चिकन टिक्का फ्राई स्टीम करके रखा हुआ है, बहुत अच्छा गल गया है चिकन। जो भी इसका थोड़ा बहुत मसाला है वो भी डाल दूंगी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और ये जो ऑयल है इसका, ये डाल दें इसमें। इसके बाद मैंने जो ये सारे मसाले रखे हैं अपने पास तह में लगाने वाले, अब मैं ये डालूंगी। सबसे पहले मैं इसमें हरा धनिया डाल दूंगी, पुदीना डाल दूंगी, टमाटर डाल दूंगी। टमाटर पूरी बिरयानी में नहीं डले तो इसलिए मैंने एक टमाटर ले लिया है इसमें डालने के लिए। नींबू डाल दूंगी मैं और दो तीन हरी मिर्चें डाल दूंगी साबुत। और अब लास्ट में मैं इसमें डालूंगी ये बिरयानी मसाला, ये मैंने अभी अभी घर में खुद बनाया, बहुत इजी है ये। इसमें सिर्फ और सिर्फ जावित्री, हरी इलायची, बादियान का फूल और जायफल डलता है, बस ये चार चीज़ों से बनता है। ये आप लोग ज़रूर बना के इसमें डालें, इससे बिरयानी का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। अब मैं इसके अंदर बाकी के चावल डाल दूंगी। अब ये तह तो हो गई, अब इसमें जितने भी लेफ्ट ओवर राइस हैं वो डाल दूंगी सारे और इसको फाइनल तह दे देंगे। मैं बहुत ज़्यादा तह नहीं लगाती हूँ, सिर्फ दो ही तह लगाती हूँ। एक में मैं मीट रख देती हूँ और सारा तह का सामान डाल देती हूँ और ऊपर से राइस डाल के इसे कवर कर देती हूँ। ये देखिए पूरी इसमें फाइनल तह है। तो मैं अब आधे राइस के ऊपर ये जर्दे का रंग डाल दूँगी ताकि एक तरफ से हमें थोड़ा सा वाइट राइस भी मिले। बाकी अब मैं इसमें ये एसेंस डालूंगी, बिरयानी एसेंस। बहुत कम डालना होता है, ये चंद कतरे ही डालना है, वरना कड़वी हो जाती है बिरयानी। अगर आप लोग ज़्यादा खुशबू के चक्कर में ज़्यादा डाल देंगे तो वो थोड़ी थोड़ी कड़वाहट में तब्दील हो जाती है। अब मैं इस पर थोड़ा थोड़ा ऊपर से घी डाल दूंगी, क्योंकि सेला राइस जब भी हम बनाते हैं तो हम करी के अंदर बहुत ज़्यादा घी या तेल नहीं डालते, वरना ज़्यादा हो जाता है इसमें तेल। अब मैं धीमी आंच पर रख दूंगी क्योंकि राइस हमारे और चिकन हमारी पूरी तरह से कुक है। तो अब मैं इसे 5 से 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर दम लगा दूंगी। ये देखिए 10 मिनट का मैंने दम लगा दिया है। अब मैं इसे ढकना खोलूंगी और इसे चलाऊंगी। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है बिरयानी का। चमचा चलाऊंगी पूरा प्रॉपर ताकि सारे कलर्स बिरयानी के मिक्स हो जाए इसमें। और ये जो व्हाइट, ये देखिए बिरयानी को मैंने पूरी तरह से चला दिया है,
कितने अच्छे कलर्स और कितना अच्छा इसका मीट नज़र आ रहा है, जैसा मैंने बारबेक्यू का टिक्का रखा था बिल्कुल वैसा ही नज़र आ रहा है। ये देखिए आप लोग, साफ नज़र आ रहा है चिकन का पीस, बिल्कुल इसी तरह से आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा। जब तक मैं इसको डिश आउट कर देती हूँ, ये देखिए इसको मैंने डिश आउट कर दिया है, कितने प्यारे सारे कलर्स लग रहे हैं इसमें, जबकि बहुत ज़्यादा जर्दे का रंग इस्तेमाल नहीं हुआ है, थोड़ा सा जर्दे का रंग डाला था वो भी एक साइड पे। उससे ये होता है कि आधे चावल वाइट रह जाते हैं। इस तरफ देख सकते हैं आप लोग, थोड़े वाइट चावल मैंने सेट किए हैं ताकि जिसको थोड़ा कम स्पाइसी खाना होता है वो लोग वाइट राइस खा लें। ये बिरयानी बहुत ही मज़ेदार बनती है, थोड़ी सी लेंदी है, लेकिन अगर आप लोग मेरी तरह, मैंने पहले जैसे चावल को बॉईल करके रख लिया था और मसाला तो 2 मिनट में ही बन जाता है, जितना भी इसका काम होता है बस चिकन को पकाने का ही होता है। मेरी रेसिपी इसलिए लॉन्ग है क्योंकि मैं शूट भी करती हूँ और साथ साथ सारे काम करती हूँ, इसलिए थोड़ी सी लेंदी रेसिपी है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हम लोग आम बिरयानियाँ तो खाते ही रहते हैं, क्यों ना आज चिकन टिक्का बिरयानी बनाएं। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा आप लोगों की ये रेसिपी कैसी बनी है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।